प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा नौवीं का विज्ञान अध्याय 9 बल तथा गति के नियम, इसमें प्रश्न क्रमांक 141 है, उसके प्रश्नोत्तर देख रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, तो यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। तो मान लो कि एक वस्तु है, तो इस वस्तु के बारे में चर्चा की जा रही है। ये वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, मतलब शून्य बाह्य असंतुलित बल मतलब इसके ऊपर बल तो लग रहे हैं पर उनका परिणामी बल क्या है? शून्य है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से, अशून्य वेग से मतलब जिसका वेग शून्य न हो, गति करना संभव है? तो मान लो कि ये वस्तु गति कर रही है, इस दिशा में गति कर रही है, वी वेग से गति कर रही है, तो ये गतिशील वस्तु है, तो इसके ऊपर शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। तो मान लो इसके ऊपर ये बल लग रहे हैं, ये ऐसे बल लग रहे हैं, और इन बलों के जो है, इनका बलों का परिणामी मान जो है वो शून्य है। ये बल इस बल को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों बल बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है। ये बल इस बल को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि ये दोनों बराबर और विपरीत हैं। ये बल इस बल को और इस बल को, ये एक दूसरे के विपरीत है और बराबर है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो बल तो लग रहे हैं परंतु इनका परिणामी बल शून्य है, तो ऐसी अवस्था में वस्तु जो है वो अशून्य वेग से, मतलब जिसका वेग शून्य न हो, अशून्य वेग से गति कर सकती है। तो इसके लिए शर्त क्या है कि जितने भी बल लग रहे हैं उनका परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। तो यहां पर ये मान के चलें, ये दरी या कारपेट है, इसको जब, ये दरी या कारपेट है और इसको जब छड़ी से पीटा जाता है, ये मान ले छड़ी, मान ली ये छड़ी से पीट रहे हैं इसको, तो पीटने पर क्या होगा कि ये दरी जो है या तो नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी, तो ये इस प्रकार से ऐसी वाइब्रेट होती है, तो ये ऐसी क्या हो, कंपित होती है। इसका मतलब ये है कि ये दरी और कारपेट के जो कण हैं वो तो गति में आ जाते हैं, दोलन करने लग जाते हैं, परंतु इसके अंदर जो धूल के कण हैं वो विराम के जड़त्व के कारण स्थिर बने रहते हैं। तो जब ये दरी का भाग ऊपर आएगा या दरी के कण ऊपर जाएंगे तो ये यहीं पर रह जाएंगे, तो ये अलग हट जाएंगे। ये जब नीचे आएगा तो यहां पर रह जाएगा, तो ये अलग हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब छड़ी से दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो दरी या कारपेट के कण वो तो कंपन करने लग जाते हैं, गति में आ जाते हैं, परंतु धूल के कण जो है वो विराम के जड़त्व के कारण अपनी जगह रहते हैं, जिससे वो दरी या कारपेट से बाहर आ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? विराम के जड़त्व के कारण। प्रश्न नंबर 3, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो ये हमारी बस हो गई, और ये बस जो है इसकी छत पे ये सामान रखा है, ये इसकी छत पे सामान रखा है। अब छत पे मान लो सामान ये रखा है, कोई ड्रम रखा है, ये ड्रम रखा है, तो क्या होगा अगर इसको रस्सी से नहीं बांधेंगे? तो बस यदि गति में है और अचानक रुक जाती है, तो रुक जाएगी, तो ये जब बस गति में रहती है तो ये भी गति में रहता है, पर ये बस एकदम से रुक गई तो ये गति के जड़त्व के कारण आगे की तरफ फीका जाएगा। और यदि बस रुकी हुई है और अचानक चल देगी, तो बस रुकी हुई है तो ये भी विराम के जड़त्व के कारण स्थिर रहता है, और बस अचानक चल दे तो ये क्या होगा, विराम के जड़त्व कारण ही रहता है, बस आगे बढ़ जाएगी, बस जो है ये आगे बढ़ गई और ये अपनी जगह रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, मतलब इस तरफ गिर जाएगा, इसलिए इसको रस्सी से बांधा जाता है। और यदि ये दोनों स्थिति ना हो
और यदि ये ढाल सड़क पे अगर कभी मान लो ये ट्रक आ रहा हो तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी ये सामान क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। और यदि चढ़ाई पे होगा, चढ़ाई पे अगर बस जा रही होगी तो क्या होगा? वहां पर भी अगर सामान नहीं बंधा होगा तो ये सामान क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वैज्ञानिक कारण इसका क्या है कि अगर कभी बस स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में जाती है तो क्या हो जाएगा? ये विराम के जड़त्व के कारण पीछे गिर जाएगा। और यदि गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में आती है तो ये क्या हो जाएगा? गति के जड़त्व के कारण आगे फेंका जाएगा। इसलिए इसको छत पे रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। ये तो हमारा प्रश्न 3 था। प्रश्न 4 है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। तो देखो यहां पर मेन चीज है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। अब 4 कारण दिए हैं, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, तो अगर कम प्रयास से किया तो कम दूरी जाएगी और वहां जाके रुक जाएगी। ज्यादा बल से अगर कभी हिट करा तो ज्यादा दूर जाएगी और वहां जाके रुक जाएगी। तो रुकती है वो कारण देखना है, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो यहाँ इसका उत्तर सही है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है जो गेंद की गति को कम करता जाता है और अंत में जाके गेंद रुक जाती है। और ये विपरीत बल का नाम क्या है? इस बल का नाम है घर्षण बल, जो किसके किसके बीच में लगता है, वो लगता है गेंद और ये जो सतह है, ये सतह और गेंद के संपर्क तल, जो ये संपर्क तल है, इनके बीच में एक गति विरोधी बल लगता है, इसको बल हम बोलते हैं घर्षण बल। इसके कारण गेंद रुकने के लिए धीमी होती है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 141 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 के उत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखो अपन बात कर रहे हैं विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व के, गति के जड़त्व, तो इनको बोलते हैं अपन जड़त्व के नियम। तो एक है विराम के जड़त्व का नियम और दूसरा है गति के जड़त्व का नियम, गति के जड़त्व का नियम। और ये हैं दोनों न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम। इसके दो भाग हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, ये पहला भाग है, विराम के जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, उसी चाल से गतिशील रहेगी, तो ये है गति के जड़त्व का नियम। और दोनों नियम कब काम करते हैं? जब वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये विराम के जड़त्व का नियम और गति के जड़त्व का नियम, ये इन दोनों नियम का संयुक्त रूप है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आते हैं, और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो नियम हैं, विराम के जड़त्व का नियम और गति के जड़त्व का नियम। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।